मध्य प्रदेश के पन्ना की शासकीय प्राथमिक पाठशाला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत तैयार की गई यूनिफॉर्म बांटी जानी थी, लेकिन गुणवत्ता परीक्षण के चलते अब तक प्राथमिक खंड के किसी भी बच्चे को यूनिफॉर्म नहीं बांटी जा सकी है, जिसके चलते पन्ना में 81,291 छात्र अपने गणवेश के इंतजार कर रहे हैं। पन्ना के माध्यमिक खंड और प्राथमिक खंड के कुल 2,341 स्कूलों के 1,27,940 बच्चों को योजना के मुताबिक यूनिफॉर्म वितरण होना था, जिसमें से माध्यमिक खंड के 46,000 बच्चों के खाते में सीधे राशि डाल दी गई है। वहीं प्राथमिक खंड के सभी 81,291 स्कूलों के बच्चे फटी पुरानी यूनिफॉर्म पहनने को मजबूर हैं। इस पूरे मामले में जब पन्ना कलेक्टर से बात की गई, तो उन्होंने जल्द ही बच्चों को ड्रेस वितरित करने की बात कही। मैं तो किताबे के साथ कहता हूँ कि इंदौर के मार्केट से ये रेडीमेड ड्रेस ले आए, किसी समूह को ड्रेस नहीं बनाने के लिए दी। अब कमीशन के चक्कर में जो देरी हो रही है, वो कमीशन के चक्कर में हो रही है। 4 करोड़ सरकार से लिए गए हैं, आज तक एक भी बच्चे को ड्रेस दिए नहीं गई। यहाँ पर ये राशि स्व सहायता समूह को दी गई है, उनके द्वारा ड्रेस तैयार की जा रही है, काफी कुछ ड्रेस उनकी बन भी गई है। अभी उनका गुणवत्ता परीक्षण हो रहा है और कमोवेश यही स्थिति बाकी जिलों में भी है। ड्रेस तैयार होने के बाद में बच्चों को वितरित कर दी जाएगी।